नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुलेठी के संबंध में। मुलेठी का लैटिन नाम ग्लाइसिराइजा ग्लिब्रा है, जिसका शाब्दिक अर्थ मीठी जड़ है। इसे संस्कृत में मधुक, यष्टि मधु, मधु यष्टि, क्लीतक आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे मुलेठी, मुलहठी या जेठी मध कहते हैं दोस्तों। इसका अंग्रेजी में नाम लिकोरिस है। यह स्वभाव में ठंडी, पचने में भारी, स्वादिष्ट, आँखों के लिए अच्छी, बल और वर्ण को बढ़ाने वाली है। यह शुक्र और वीर्यवर्धक है। यह उल्टी, खून के विकार, गले के रोग, पित्त, वात, कफ दोष दूर करने वाली, क्षय को नष्ट करने वाली। मुलेठी शिम्बिकुल लेगुमिनो से परिवार का पौधा है। इसका छुप बहुवर्षीय होता है, जो कि 2 फुट से 6 फुट तक ऊंचा हो सकता है। इसके पत्ते 4 से 7 के युग्म यानी कि पेयर में होते हैं दोस्तों, जिनका आकार आयताकार, अंडाकार, भालाकार होता है। दोस्तों पत्तों के आगे के भाग नुकीले होते हैं। फूल का रंग हल्का गुलाबी बैंगनी होता है। इसकी शिम्बी या फली 2.5 cm से लेकर 1 इंच तक लंबी होती है। आकार में यह लंबी चपटी होती है और इनमें 2 से 3 किडनी के आकार के बीज होते हैं। मुलेठी जो दवा की तरह प्रयोग की जाती है, वह इसी कोमल कांडीय पौधे की जड़ होती है। 3 से 4 साल पुराने पौधे की जड़ें ही दवा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। बाजार में इसी पौधे की जड़ टुकड़े के रूप में मिलती है। कभी कभी जड़ों का छिलका भी उतारा हुआ होता है। छिलका उतरी जड़ पीली सी दिखती है। सामान्य जानकारी, औषधीय उद्देश्य के लिए इस्तेमाल भाग जड़। जी हाँ, मुलेठी की जड़ जो होती है वो औषधि के रूप में यूज होती है दोस्तों। झाड़ियों के जैसा होता है यह। भारत में मुलेठी मुख्यतः बाहर से लाई जाती है। मुलेठी को फारस की खाड़ी, तुर्की, साइबेरिया, स्पेन आदि से लाया जाता है। पंजाब, कश्मीर में इसकी खेती का प्रयास भारत में हो रहा है। यह हिमालय की तराई में उगाई जाती है दोस्तों। इसका रंग बिना छिलका उतारे भूरा, थोड़ा लाली लिए हुए होता है दोस्तों। यह चिकना और रेशेदार होता है। स्वाद इसका मीठा। अच्छी मुलेठी में कड़वाहट नहीं होती है दोस्तों। गंध मीठी सी। संगठन 5 से 10% ग्लिसरहाइजिन सुक्रोज डेक्सट्रोज, 30% स्टार्च प्रोटीन वसा रेजिन आदि होता है इसमें दोस्तों। अब इसकी औषधीय मात्रा, जड़ का पाउडर 2 से 4 ग्राम, सतमुलेठी 1/2 से 1 ग्राम। 2 वर्ष से पुरानी मुलेठी में औषधीय गुण बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए इसे दवा के रूप में नहीं प्रयोग करना चाहिए। अब बता रहे हैं हम आप सभी को दोस्तों मुलेठी के आयुर्वेदिक गुण और कर्म। इसका रस मधुर होता है। गुण गुरु, भारी, स्निग्ध, वीर्य, शीत, विपाक, मधुर। शरीर को बदल देने वाला, आँखों के लिए अच्छा, घाव को भरने वाला, वात पित्त शमक, वात को नीचे ले जाने वाला, हल्का विरेचक, मूत्रल पेशाब बढ़ाने वाला, मूत्र मार्ग स्नेहन, कफ निस्सारक, जीवनीय रसायन, शुक्रवर्धक, चर्म रोग नाशक, बालों के लिए अच्छा, शोथहर, सूजन दूर करने वाला, बुखार दूर करने वाला होता है यह दोस्तों। मुलेठी के लाभ। मुलेठी मुख्यतः गले, पेट रोग, अल्सर, कफ के रोगों में बहुत उपयोग होती है। यह कफ को सरलता से निकालने में मदद करती है दोस्तों। यह दमा में उपयोगी है। मुलेठी चबाने से मुंह में लार का स्त्राव बढ़ता है। यह आवाज़ को मधुर बनाती है। यह श्वसन तंत्र संबंधी विकारों, कफ रोगों, गले की खराश, गला बैठ जाना आदि में लाभप्रद है। यह गले में जलन और सूजन को कम करती है।
यह पेट में एसिड का स्तर कम करती है दोस्तों। यह जलन और अपच से राहत देती है तथा अल्सर से रक्षा करती है। पेट के घाव, अल्सर, पेट की जलन, अम्लपित्त में मुलेठी बहुत लाभप्रद है। मुलेठी में मौजूद ग्लाइकोसाइड्स पेट के घाव को भर देती है। अम्लपित्त में इसका सेवन तुरंत ही एसिड को कम करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। मुलेठी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है दोस्तों। यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है। जी हाँ, यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है। मुलेठी में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जिनका हल्का एस्ट्रोजेनिक प्रभाव है दोस्तों। यह वीर्य को शुद्ध करती है तथा खून को पतला करती है। मुलेठी के औषधीय इस्तेमाल दोस्तों। कफ, अधिक कफ होने पर 3 ग्राम मुलेठी चूर्ण को शहद के साथ लें, आपको लाभ होगा। मात्रा कितनी लेनी है यह हम आपको बताते हैं दोस्तों। मुलेठी 10 ग्राम प्लस काली मिर्च 10 ग्राम प्लस लौंग 5 ग्राम, हरितकी 5 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम को मिलाकर पीस लें और शहद के साथ 1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ चाट कर लेने से पुरानी खांसी, जुकाम, गले की खराश, सूजन आदि दूर होते हैं। मुलेठी चूर्ण 2 ग्राम, आंवला चूर्ण 2 ग्राम को मिला लें। इस चूर्ण को शहद के साथ चाट कर लेने से खांसी दूर होती है। खांसी के साथ खून आने पर मुलेठी का चूर्ण 1 टीस्पून की मात्रा में शहद या पानी के साथ लेना चाहिए। गले के रोग, जी हाँ दोस्तों, गले की सूजन, जुकाम, श्वास नली में सूजन, मुंह में छाले, गला बैठना आदि में इसका टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए दोस्तों, लाभ होता है। जुकाम, जुकाम के लिए मुलेठी 3 ग्राम, दालचीनी 1 ग्राम, छोटी इलायची 2-3 कूट कर 1 कप पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए छान कर मिश्री मिलाकर 2 बार सुबह शाम 2 चम्मच की मात्रा में लें, आपको लाभ होगा दोस्तों। हिक्का, जी हाँ दोस्तों, हिचकी आने पर मुलेठी का 1 टुकड़ा चूस लें, आपको लाभ होगा दोस्तों। पेट के रोग, पेट और आंतों में ऐठन होने पर मुलेठी का चूर्ण शहद के साथ दिन में 2-3 बार लेना चाहिए। अल्सर में मुलेठी को 4 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ लिया जाता है या इसका क्वांथ दिन में 2-3 बार शहद में मिलाकर लेना चाहिए दोस्तों। पेशाब रोग, जी हाँ दोस्तों, पेशाब की जलन में 2-4 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को दूध के साथ लेना चाहिए। रक्त प्रदर, रक्त प्रदर में मुलेठी 3 ग्राम, मिश्री को चावल के पानी के साथ लेना चाहिए। धातु की कमी, जी हाँ दोस्तों, धातु 6 में 3 ग्राम मुलेठी चूर्ण को 3 ग्राम घी और 2 ग्राम शहद के साथ मिलाकर लें। वीर्य बढ़ाने, स्तंभन शक्ति को मजबूत करने के लिए मुलेठी चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में शहद और दूध के साथ कुछ दिन तक सेवन करें, आपको लाभ होगा दोस्तों। मुलेठी का बाहरी प्रयोग, बाह्य रूप से मुलेठी का प्रयोग सूजन, एक्जिमा और त्वचा रोगों में लाभदायक है। बाह्य से मतलब है दोस्तों किसी भी घाव, फोड़े, फुंसी पर बाहर से लगाने से उसका लेप। फोड़ों पर मुलेठी का लेप करना चाहिए। घाव पर मुलेठी और घी का लेप लगाने से आराम मिलता है। विसर्प में मुलेठी का काढ़ा प्रभावित स्थान पर स्प्रे करके लगाना चाहिए। मुलेठी का चूर्ण, मुलेठी के चूर्ण को निर्धारित मात्रा में निर्धारित समय तक ही लेना चाहिए। अधिक मात्रा में या लंबे समय तक इसका सेवन हानिप्रद है। कई रोगों में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आज लेकर के आए थे मुलेठी। जी हाँ दोस्तों, मुलेठी एक ऐसी औषधि है जो आपके लिए, हमने जो भी बताया अभी, इन सारे गुणों को आपके लिए एक बार में लेकर के आती है। हमने आज आपको मुलेठी के गुणों से वाकिफ कराया दोस्तों। अगली बार हम अपनी कड़ी में जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण औषधियों को लेकर के और जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।